अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। 8:38 हो चुके हैं और ये देखें धूप फुल लगी है। आज दूसरा दिन है धूप बहुत ज़्यादा लगी हुई है। पहले बारिश थी तो ठंड थी थोड़ी, और आजकल जो है धूप लगी हुई है और बहुत सख्त किस्म की गर्मी है। आप लोगों ने बताना है आप लोग की साइड पर गर्मी है नहीं है। और तीतर बाहर निकले हुए हैं, ये सारे दिन बाहर घूमते रहते हैं। फातिमा जोया अभी सोई हुई हैं, जब उठेंगी तो तब देखेंगे। मैंने नाश्ता कर लिया, आपके भाई ने नाश्ता कर लिया, और अभी इन्होंने थोड़ी देर तक कहीं जाना है, कहाँ जाना है ये आप लोग को थोड़ी देर बाद पता चलेगा, बल्कि शायद लास्ट में पता चले ये कहाँ गए थे। जोया एस यू एल अपने बाइक के साथ लगी है। जोया मेरा बेटा, मेरी बच्ची, मेरा शहजादा, वही गोगलू मिले गोगलू। और फातिमा मेहंदी लगा के बैठी हुई है। पामी ऊपर हो ना, ये अभी अभी सोई उठी है। और ये देखिए, सब्र करो एंड इधर रखो, ये मैंने खुद ही लगाई है, मुझे सही नहीं लगानी आती। और सीधे हाथ बताओ आराम से। ये देखिए, ये इसके आज हमारे यहाँ गेस्ट ने आना है, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जो कि फातिमा अभी नहीं बताएगी, सरप्राइज़ है। और फिर उनकी वजह से इसने मेहंदी लगाई है। और जोरी भी खुशियाँ मना रही है। खुशियाँ मना रहे हो? हाँ जी, जोया को सला ली है, फातिमा ने भी खाना खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया है। और जो गेस्ट आने हैं उनके लिए खाना पड़ा हुआ है। प्यारे प्यारे से मेरे गेस्ट आ रहे हैं, देखिए मैं कितनी खुश हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी से गेस्ट करें कि कौन से गेस्ट आ रहे हैं वापस जो मैं इतनी खुश हूँ। अच्छा जी, मेरे जो गेस्ट थे वो आ गए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से आ गए वापस से। अल्लाह गर्मी थी रास्ते में। किधर है अब्दुल्ला, किधर है जैन भी पहुँचा ही है, अब्दुल्ला भी पहुँचा है। क्यों गर्मी लगी हुई है, थक गए? अंधेरे में वीडियो भी सही नहीं। फातिमा को चीज़ें में क्यों बोला था, क्यों पानी नहीं पियो? नहीं है मुँह पे क्या हुआ है? अंदर किसने मारी हुई है, किसने है? चला ने क्यों लड़े हो आप? अभी अब्दुल्ला दुकान से वापस आए, पहले तो अब्दुल्ला खफा था, दादू के लिए कह रहा था, दादू याद आ रही हैं। और अभी रिलैक्स हो गया। हाँ अभी फिर इंशाल्लाह जाएंगे। ये देखें अब्दुल्ला इतनी ढेर सारी चीज़ें लेके आए, क्योंकि उधर इनकी ढेर सारी ईदी हुई है। कितनी ईदी हुई है, चलो उधर से उधर आप बता दो, वो तो नहीं बोलेगा। ढेर सारी ईदी इनको मिली है। और ये देखें ये चीज़ें लेके आए, अभी ये चीज़ें बांट के और खाएंगे। ये देखें ज़रा, फातिमा को मिल रही हैं चीज़ें, फातिमा को चीज़ें मिल रही हैं। किसने लिख दी, आप लेके आई हो? अच्छा, और ये जैनब का ड्रेस है जो कि उधर मोबाइल पे सही नहीं आया था। मैं आपको बताती हूँ, ये इसकी चाचू ने दिया है। सैंडल किसने लेके दी है? हाँ ये सैंडल क्या रही है, और बाकी चीज़ें बाहर रखता हूँ जी, वो बाबा से पूछ। करेटो देखे, करेटो ये देखे, करेटो। और सूरज हो गया जी रूप, एक मिनट ये देखें, आगे बादल आ गए। और ये मैंने भगोए हैं चावल, जो कि अभी मैं पुलाव बनाऊंगी। ये जैनब नेल पेंट लाई थी, मैं चेक कर रही थी कौन सा कलर है, अजीब सा लग रहा है मेरे साथ, लेकिन इसको रिमूव कर दूंगी। अभी बनाऊंगी पुलाव गोश्त वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अभी अभी पहुँचे हैं, अभी तो नहीं पहुँचे, खैर 1:30 बजे पहुँचे थे, लेकिन अभी भी इनकी रेस्ट जारी है। अब्दुल्ला भी करना है, करेटो खा रहा है, फातिमा कह रही है करेटो। और आज बस बड़ी खुश हूँ, ऐसे तो सारा दिन बोर हो जाती थी, आज मैं बड़ी खुश हूँ। आप लोग को मेरे फेस से लग रहा होगा कि मैं खुश हूँ। बच्चे आ गए हैं, बस अब इनके साथ दिन गुजर जाते हैं। जल्दी जल्दी इंशाल्लाह सुबह कोशिश करूँगी मैं वॉक पे भी जाऊँ। और बस सोया भी खुश है, सोया पहले तो रोती रही है लेकिन अभी खुश है। अभी बच्चों ने चीज़ें मंगवाई, अभी अभी उसने पहचाना है, हाँ भाई ये जैनब है, ये अब्दुल्ला है। और इनकी दादा से भी फ़ोन पर बात किया, वो भी परेशान थी, कहती बच्चे चले गए तो मेरा दिल खफा है। और बस दुआ करनी है आप लोगों ने, अभी चावल वगैरह बना लेते हैं। अच्छा जी, अभी टाइम हो गया 10:30 का, और मैं व्लॉग कर रही हूँ एंड। आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे सो गए हैं, सारे सो गए हैं, जोया भी सो गई है, मैंने कहा व्लॉग का एंड कर दूँ। बस यही कहना था कि एक माँ के दिल को उसी वक्त सुकून मिलता है जब बच्चे सारे पास होते हैं, तो बस खुश थी आज, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। अब सुकून से सोए हुए हैं, सियाला के पाँव में दर्द था, उसके पाँव का मसाज किया है। और अब्दुल्ला भी सो गया, ब्रूफेन दी है उन दोनों को, मतलब कि मेडिसिन दी है क्योंकि सर में दर्द था, दोनों के दादों को मिस कर रहे थे। तो बस ये कहूँगी कि इसके साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे खुश रखे, मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को, बल्कि सबको खुश रखे, और अपने अपने घरों में आबाद रखे। जितने बीमार हैं उनको शफा अता फरमाएँ, और जितने भी लोग
भी औलाद है, उनको औलाद तक में इसके साथ ही अपने औलाद का कहते हैं एंड इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से प्यारे से क्यूट से प्लान में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।